हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बंगाली स्टाइल का पटल की सब्जी का रेसिपी बता रही हूँ। ये काफी स्वादिष्ट बनता है। एक बार आप अगर घर में बनाते हैं तो बच्चे काफी डिमांड करते हैं कि फिर बार बार बनाना पड़ता है। तो एक बार आप मेरी विधि से बना के जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मैं आपको बंगाली स्टाइल का पटल की सब्जी बना के दिखाती हूँ। ये पटल का मैं बंगाली स्टाइल का सब्जी बना रही हूँ। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये पटल है, इसका इस तरह से लोग इसको छील देते हैं, पर मैं छील नहीं रही हूँ, बस इस तरह से खुरच करके चारों तरफ से खुरच लेना अच्छे से। अच्छे से इसको खुरच करके दोनों साइड का ये पीस को कट कर दे रही हूँ। अब देखिए इसको वन साइड से, देखिए इस तरह अच्छा से कट कर लेना। देखिए इस तरह से, इस तरह से पूरा नहीं काटना है, इस तरह से इसको इस तरह से कट के सब को तैयार कर लेना चारों। बस एक ही साइड से डीप कट कर लेना है, देखिए बीच में, देखिए इस तरह से, ताकि इसमें सारा मसाला चला जाए। देखिए मैं सारा को इस तरह से कट करके तैयार कर ली हूँ सब में, ताकि ये तलेंगे तो थोड़ा सा ये डीप अच्छे से हो जाएगा और इसमें मसाला अंदर जाएगा। ये देखिए मेरा पटल आधा केजी है, हाफ केजी। इसमें मैं ये मसाला तैयार करूँगी। जीरा गोल के है 2 चम्मच, मिर्च है मेरा थोड़ा तीखा कम है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इसको कम कर सकते हैं। आधी है, लहसुन है, एक टमाटर डाल रही हूँ मीडियम साइज़ का, क्योंकि इसमें मुझे दही का इस्तेमाल करना है इसलिए ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। ये गरम मसाला है, ये किचन किंग है, ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालूंगे, ये हल्दी पाउडर है, ये प्याज है। इसे मैं मस्टर्ड ऑयल बना रही हूँ, आप जो भी वेजिटेबल ऑयल खाते हैं उसे बनाइएगा। तेल गर्म हो गया, इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। देखिए इसमें मैं टमाटर भी डाल दी हूँ, बस इसको हमको थोड़ा मुलायम करना है, उसके बाद इसको मिक्सी में पीसेंगे। देखिए मेरा हल्का ये भून गया है, अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। ये लहसुन आ दिया, ये जीरा बोल के, मिर्च है, अब मैं इसे दोबारा तेल डाली हूँ 2 चम्मच। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया, इसमें इस बटर को डाल के अच्छे से भून लेना है। इसमें मैं पानी के इस्तेमाल तब तक नहीं करूँगी जब तक पानी इसमें ज़रूरत ना हो, बस कम एक आध चम्मच पानी देके पीसेंगे, क्योंकि टमाटर में पानी होता है और प्याज में भी। देखिए मेरा पटल अच्छे से भुन गया है। इसका गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखे थे, जब भी इस तरह से फ्राई कीजिए तो आप फ्लेम इसका कम ही रखिएगा। अब मैं इसको निकाल देंगे। इसी मस्टर्ड ऑयल जो बचा है उसे मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसे रिफाइंड से थोड़ा कलर अच्छा आता है, इसलिए मैं डाली हूँ तेज पत्ता। ये मसाला मैंने पेस्ट तैयार की हूँ। ये हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा। ये किचन किंग है, कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, इसी से कलर अच्छा ज़्यादा अच्छा है। नमक स्वाद अनुसार जितना आप पसंद करते हो। देखिए मसाला मेरा भून गया है, अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद एकदम जल्दी जल्दी चलाना चाहिए, ताकि दही फटे नहीं। एकदम याद रखिए, हमेशा जब भी दही डालें तो तुरंत फटाफट चलाएं, जब मिक्स हो जाए उसके बाद छोड़ें, दही फट जाता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है घी। घी डालिएगा तो इसका मीठा स्वाद आता है और बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है। देखिए मसाला मेरा एकदम अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी आने लगा है और कलर भी अच्छा हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँ, एकदम मिक्सी में जो मसाला बच गया था उसमें पानी डाल के मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि मसाला वेस्ट हो जाएगा तो मैं उसी में पानी डाल के निकाल ली हूँ।
थोड़ा पानी और पड़ेगा, थोड़ा और पानी डाल रही हूँ मैं। अब डालू मैं ये कटहल, देखिए बंगाली स्टाइल का, इसलिए चीनी तो जरूर पड़ता है, इतना थोड़ा चीनी से, ज्यादा मीठा नहीं होगा, इसे जरूर डालें। ये गरम मसाला है, क्योंकि गरम मसाले के बिना तो कोई सब्जी में स्वाद ही नहीं आएगा। यह है कस्तूरी मेथी, इसको हाथ पे लेके ऐसे ऐसे रगड़ दें, उसके बाद इसको चाकू से डालें, इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। देखिए मैं इसको ढक रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी। देखिए मेरा कटहल बनके तैयार हो गया है, मैं इसे एक दो बार चला भी ली हूँ। और फ्लेम इसका जो जब भी डालें इसको, पटल को या कोई भी सब्जी को, तो उसका फ्लेम लो टू मीडियम रखना चाहिए, ताकि कम फ्लेम पर अच्छा सा पकता है, स्लो स्लो धीरे धीरे। अब इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए मेरा बंगाली स्टाइल का पटल बनके तैयार हो गया है, आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसा बना।